माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके प्लीज कुट योर प्रेजेंटी। Yes, a very good evening to all of you. Am I clearly audible and my screen is also visible to you? Okay. Okay. So let's start with today's session. Today we are going to learn about Hindi grammar. Okay. Very interesting topic. As we have learned the kya sikha hai humne Hindi grammar mein? विशेषण के प्रकार, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, लाइक व्हाट एवर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी हैव डन। यस, सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज विराम चिन्ह। ओके, प्रत्येक वेळी आपण काही लिहित असताना आपण विराम चिन्ह वापरतो मराठीमध्ये, लाइक फुल स्टॉप, यस, देन युअर अपॉस्ट्रॉफ, स्वल्पविराम, अल्पविराम, असे आपण विरामचिन्ह आपल्याला काही विरामचिन्ह वापरावे लागतात, त्याबद्दल आपण शिकणार आहोत। ओके, आज हम सीखने वाले कुछ विरामचिन्ह के बारे में जो हम हिंदी लिखते समय यूज करते हैं। देखिए, विराम का अर्थ होता है ठहरा लेना या रुकना। विराम म्हणजे एक प्रकार आराम। ओके, जेव्हा आपण लिहिताना थांबतो तेव्हा विराम आहे असं म्हणतो। ओके, लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों के विराम चिन्ह विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। बघा, मग विराम चिन्ह म्हणजे काय? आपण जेव्हा एखादा लेख लिहत असतो किंवा वाचत असतो त्यामध्ये जर काही साइन्स असतील तर आपण तिथे थांबतो, बरोबर, किंवा एखादा भाव व्यक्त होतो, लाइक अवर एक्सक्लामेटरी साइन, एक्सक्लामेटरी साइन असेल तर आपण आपला काहीतरी भाव व्यक्त करत आहोत असं आपल्याला समजतं। एखाद्या वाक्य एखाद्या चिन्हाने वाक्याचा अर्थ समजतो, फुल स्टॉप असेल तर आपल्याला कळतं की हां इथे आपल्याला थांबायचं आहे, वाक्य संपलेलं आहे, वाक्याच्या पुढे प्रश्नचिन्ह दिलं असेल तर आपल्याला कळतं की हा एक प्रकारे प्रश्न विचारला झाले गेलेला आहे। तसंच तुम्ही वाचत असताना वाक्यात उतार चढाव असतो, ओके, कुठे कुठे थांबलं जातं, या सगळ्यासाठी आपल्याला काय आवश्यक असतात? विराम चिन्हे आवश्यक, काही स्पेशल चिन्ह आवश्यक असतात आणि त्या सगळ्या चिन्हांना एकत्रितपणे विराम चिन्ह म्हणतात। वन्स अगेन आय विल रिपीट, विराम का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। आता या एवढ्या पार्ट मध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारचे विराम चिन्ह आलेत की नाही, आणि तुम्ही पाहिलं असेल की मी त्या प्रत्येक विराम चिन्हाला कसं वाचलं आहे। जेव्हा फुल स्टॉप आला, हिंदीमध्ये फुल स्टॉप एक स्ट्रेट लाईन दिली जाते, यू यू नो ना, ऑल ऑल ऑफ यू यू मस्ट नो, यस, की हिंदीमध्ये फुल स्टॉप म्हणजे एक सरळ एक स्ट्रेट लाईन दिली जाते, स्टँडिंग लाईन दिली जाते, मग तिथे आपण थांबलं पाहिजे। आता मी वाचत होते तेव्हा तुम्ही हे सगळं नोटीस केलं का की स्वल्प विराम होता तेव्हा मी एकदम थोडा वेळ थांबले, फुल स्टॉप पेक्षा एकदम कमी वेळ, की पुढे मला काहीतरी वाचायचं आहे। येस, डू यू हॅव नोटीस व्हाईल आय वॉज रिडिंग? ओके ओके, सो इन विरामचिन्हों का प्रयोग वाक्यों में मध्य या अंत में किया जाता है। मग या विराम चिन्हाचा उपयोग आपण वाक्यामध्ये वाक्याच्या मध्ये किंवा शेवटी करत असतो। ओके,
इंट्रोडक्शन सगळ्यांना कळालंय. द वन हू हॅव जॉईन नाव, हॅव यू अंडरस्टूड? आत्ता जॉईन केलेल्यांना कळलंय का? अभी जिन्होंने जॉईन किया है सबको समझा है? विराम चिन्ह, इंट्रोडक्शन. ओके ओके. सो उसके भेद बहुत सारे होते हैं. आई हैव सिलेक्टेड सम. हम कुछ भेद सीखने वाले हैं क्योंकि आपको ज्यादा जो विराम चिन्ह है मोस्टली जो यूज नहीं हो दैट आई हैव नॉट टेकन. ओके, बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं लेकिन आपके 10 तक जो ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले हैं, 5th to 10 तक, दैट ओनली आई हैव सिलेक्टेड. ओके, सो फर्स्ट इज, सगळ्यांना माहिती असेल हा तर, येस, हिंदीमध्ये पूर्णविराम अशा प्रकारे देतात. हे आपण थर्ड फोर्थ स्टँडर्ड पासून शिकतो जेव्हा आपल्याला हा सब्जेक्ट येतो. येस ओके. इंग्लिश मीडियम इज हॅविंग हिंदी फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड, राईट? ओके, सी, पूर्णविराम, हिंदी हिंदी भाषेत आपल्याला पूर्णविराम एक स्टँडिंग लाईन म्हणून दिली जाते. किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है. जेव्हा आपण एखाद्या वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विरामाचं चिन्ह देतो तेव्हा आपल्याला असं कळतं की ते वाक्य संपलेलं आहे, ते वाक्य बोलून झालेलं आहे किंवा ते वाक्य लिहून झालेलं आहे. ओके, पूर्णविराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में किया वाक्यों के अंत में किया जाता है. मग पूर्णविराम हा है एक असा विराम चिन्ह है ज्याचा वापर प्रश्नसूचक म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य आणि विस्मयादि, विस्मयादि म्हणजे आपला एक्सक्लामेटरी, येस, उद्गारवाचक चिन्ह, रिमेंबर ना, अ स्टँडिंग लाईन अँड अ डॉट बिलो दॅट, येस ओके सॉरी. सो इस पूर्णविराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयादि इन दोनों वाक्यों को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों के अंत में किया जाता है. प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम दिला जातो. फक्त अपवाद आहेत प्रश्नार्थी वाक्य आणि विस्मयादि वाक्य. जैसे कि श्याम ने खाना खा लिया है, वह कल आएगा, तुम घर चले जाओ. ओके, प्लीज चेक योर कीबोर्ड दैट इफ यू कैन पुट दिस साइन. एज आई हैव ट्राइड मेनी टाइम आई कांट पुट दिस साइन. बघा तुमचं कीबोर्ड चेक करून कि हे साइन टाकू शकता का. इफ यू कैन, येस ना, ओके ओके. सो राइट अ सेंटेन्स. चला मग सेंटेन्स लिहा. राइट अ सेंटेन्स फॉर दैट. ओके, सो यू हैव नॉट यूजन द साइन, यू हैव चूजन फ्रॉम दैट आई, यू हैव रिटन आई, राइट? यस, एम आई राइट? ओके ओके ओके. देन सेंटेंसेस, राइट सेंटेंसेस. वह दौड़ता आ रहा है. दीपिका, यू फाउंड इट आउट? यू हैवंट यूज एंड आई? यस यू हैव. ओके, श्याम बड़ा होशियार है. माँ मुझे खाना दो ना, मुझे आज पाठशाला में बहुत डांट मिली, मुझे तेरे घर आना है. ओके, आना न. ओके, व्हेन यू टर्न योर कीबोर्ड टू मराठी विल यू रिसीव दैट साइन? नो, वेर वेर यू हैव फाउंड आउट इट दीपिका? Why I can't find out that? You can see my keyboard now. Can you help me out? Where should I find that? मैम आम्ही आय घेतलेला.
येस दॅट्स वॉट आय वॉज आस्किंग बट सम हॅव द साईन ना दीपिका रुद्र कॅन यू हेल्प मी आउट येस येस रुद्र इक्वल टू स्लॅश अँड दॅट ग्रेटर टू साइन टू कॅरी येस येस अप्रेस येस 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 थँक्यू सो मच ओके दिस थर्ड वन ना ओके थँक्यू ओके डन एवरीवन हैज रिटर्न ओके ओके सो नेक्स्ट इज अर्धविराम अर्धविराम हा अशा प्रकारे दिला जातो यू कॅन सी द साइन ओके मानसी वेट सी दिस एबीसीच्या वरती इज इक्वल टू अँड लेस दॅनचं साईन आहे ना त्याच्यात थर्ड वन गॉट मानसी ओके ओके त्यानंतर आपण पाहणार आहोत अर्धविराम अब हम देखने वाले हैं अर्धविराम जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहां पर अर्धविराम चिन्ह या प्रयोग किया जाता है। जसं आता मी वाचताना तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला पूर्ण विराम नाही घ्यायचा आहे थांबायचा आहे आपल्याला पण जसं आपण पूर्ण विराम आला म्हणजे वाक्य वाचून झाल्यावर आपण थांबतो त्या प्रकारे नाही थोडंसं थांबायचं आहे फक्त पण वाक्य आपलं संपत नाहीये पूर्ण विरामामध्ये आपण थांबतोय आणि आपलं वाक्य संपतंय ओके वी आर स्टॉपिंग एंड आवर सेंटेन्स इज ऑल्सो गेटिंग ओवर बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है इस केस में कि हल्का सा विराम लेना है हमें और वाक्य को खत्म नहीं किया जाना है कि वाक्य को खत्म नहीं किया जा रहा है तब हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम रुकना हो वहां अर्धविराम का उपयोग किया जाता है जिथे आपल्याला पूर्ण विरामापेक्षा कमी थांबायचा आहे पण अल्प विरामापेक्षा जास्त थांबायचा आहे तिथे आपण अर्धविराम वापरतो बघा पूर्ण विराम स्ट्रेट लाईन अल्प विराम दिस वन कॉमा अँड अर्धविराम अ कॉमा अँड अ डॉट त्याच्यावरती डॉट ओके सो जहाँ पे हमें हल्का सा रुकना है और वाक्य को खत्म नहीं करना है वहां पे हम अर्धविराम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं अर्धविराम का उपयोग हम वाक्य में जब करते हैं तब करते हैं जब हमें पूर्ण विराम की तुलना में ज्यादा सॉरी पूर्ण विराम विराम की तुलना में कम रुकना है और अल्प विराम की तुलना में ज्यादा रुकना है ओके तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं जैसे कि राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला ओके बघा या वाक्यात बघा राम तो अच्छा लड़का है इथे मी थांबले पण पूर्ण विरामासारखं नाही पुढे मला वाचायचं आहे किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं ओके दोन मोस्टली दोन वाक्यांना जोडूनच हे चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळतं ओके जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला अशा प्रकारे ओके सो अर्धविराम का प्रयोग कैसे करना है समझा आपको जहाँ पे हम पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकते हैं और अर्धविराम अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा रुकते हैं ओके वहां पे हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं ओके सो राइट सेंटेंस राइट सेंटेंस देन जैसी हैसियत वैसी सोच वाइल एंडिंग द सेंटेंस यू हैव टू यूज दैट फुल स्टॉप ऑल्सो फुल स्टॉप पण यूज करायचा आहे सेंटेंस संपवताना दीपिका क्योंकि हमें बताया जा गया है कि एक्सक्लामेटरी और जो प्रश्नार्थक वाक्य है
वो छोड़ के सारे वाक्यों को खत्म करते वक्त हमें पूर्ण विराम देना है। तू मेरा मित्र है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? वह गिर गया किंतु वह रोया नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने खाना खाया था पर 4 बजे खाया। आदि ठीक नहीं है, वो बीमार है। यस, मेक इट फास्ट। 19 स्टूडेंट्स आर देयर। Only 6 have written. Write it fast. मैंने पढ़ाई की पर मैं फेल। यू शुड राइट निधि, फिर भी मैं फेल क्यों हुआ? यस एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। मुझे भूख लगी थी पर सब्जी खत्म हो गई। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। गुड। ओके, नेक्स्ट टाइप वी विल सी। पूर्ण विराम अर्ध विराम समझ में आया है सबको? Yes, then why you didn't, everyone ha didn't write the sentence? See, next third one is अल्पविराम। माझं काहीच नुकसान नाही आहे याच्यामध्ये। इफ यू आर नॉट रायटिंग, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रायटिंग, दे आर ऑलवेज वेलकम। इफ यू आर नॉट रायटिंग, देन इट्स युअर लॉस ओनली। सी, नेक्स्ट इज अल्पविराम। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम काम कम देर रुकना हो लेना हो, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जेव्हा एखादा वाक्य आपल्याला प्रभावपूर्वक बोलायचा आहे किंवा लिहायचा आहे, तेव्हा अर्धविरामापेक्षा आपल्याला जास्त थांबायचं आहे पण पूर्ण विरामापेक्षा आपल्याला कमी थांबायचं आहे, अशा वेळी आपण अल्पविराम म्हणजेच कॉमा या चिन्हाचा उपयोग करतो। वन्स अगेन आई विल एक्सप्लेन। जब हमें हमारे वाक्य को प्रभावी रूप से कहना है या फिर लिखना है, तब हम अर्धविराम से तब और हमें अर्धविराम से ज्यादा रुकना है लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकना है, तो हम अल्पविराम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शाम जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यू कैन सी कि हम अर्धविराम से ज्यादा रुक रहे हैं। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ अच्छी नहीं। लेकिन यह है हमारा अल्पविराम। अल्पविराम में हम अगर हम किसी को आवाज देंगे, श्याम जरा इधर आना, तो यू कैन सी कि मैं कुछ ज्यादा देर रुकी हूँ अल्प अर्ध विराम से। तो हमें जब हम अर्ध विराम से ज्यादा रुक रहे हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम रुक रहे हैं, तब हम अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। श्याम जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। राम पढ़ाई कर लो। इसी तरह। यस अंडरस्टूड। अल्प विराम का प्रयोग कब करना है? जब हमको वाक्य को प्रभावी रूप से कहना या लिखना है लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकना है और अर्ध विराम से ज्यादा रुकना है, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस लिखिए, स्टार्ट राइटिंग अ सेंटेंस।
द वन हु हैव इंटरेस्ट कैन ओनली राइट. सुमन जरा पानी लेकर आना. गोल दीपिका. रोको मत, जाने दो. नो अनघा, हे सेंटेन्स नाही येणार. हे येणार रोको मत, मत रोको आणि मत च्या मध्ये तू स्वल्पविराम नाही देऊ शकत. अल्पविराम यू कांट गिव ओवर देअर. ओके, नाही नहीं, तू वहां नहीं जाएगा. ओके प्रमिता. हाँ मैंने खाना खाया. राजू जरा इधर आना. शाम पेड़ पर चढ़ो मेरा दोस्त. नो आदित्य, यू कांट राइट दिस. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ओके okay. सुनो ना, आते वक्त जरा 1 किलो मटर ले आना. ओके okay. कविता काम करो. यस yes. जब हम निकले तब पानी बरस रहा था. यस yes. आयुष राइट इट इन हिंदी प्लीज. चेतन सुमन मैं और भैया बाजार जा रहे हैं. यस सिपिका, गुड. रमा पढ़ाई करो. ओके ओके सो यू ऑल गॉट दिस वन. यस क्लियरली, दिस वन इज क्लियर नो. ओके देखिए, तो यहाँ पे आपने जिस तरह लिखा है उससे हम कंपेयर करेंगे सेंटेंसेस को. देखिए, अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि अंकों को लिखते समय. यस, अंकों को लिखते समय भी हम अल्पविराम का उपयोग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6. यस देन हाँ और नहीं के बाद, नहीं यह काम नहीं हो पाएगा. तो हाँ और नहीं के बाद भी हम इस अल्पविराम का उपयोग कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके हर्ष, फाइन. एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भाग भाग शेर आया. म्हणजेच एकाच प्रकारचा शब्द जर आपण वापरत आहोत किंवा एकाच प्रकारचं वाक्य, जसं आपण म्हणतो ना पळ पळ असं म्हणतो ना, तेव्हा त्या दोन शब्दांच्या मध्ये आपण अल्पविरामाचा उपयोग करायचा आहे. हां ओके. नेक्स्ट इज तारीख और महीने के नाम लिखने के बाद, जैसे कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था. ओके यस, कब कब आप यूज कर सकते हो, पता चल गया है अल्पविराम को. यस ओके. अंकों को लिखते समय जब वाक्य की शुरुआत हाँ या नहीं जिन शब्दों से हो रही है, तब उनके बाद देन, अगर हम एक ही प्रकार के शब्द या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तब उन दोनों के बीच में देन तारीख महीना और नाम लिखने के बाद. ओके चलिए नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह. दिस ऑल वी नो राइट. प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछने जाने की भाव की अनुभूति अनुभूति हो, वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है. जेव्हा आपल्याला वाक्यात प्रश्न विचारला गेलेला आहे, ते तर तुम्हाला कळतच की वाक्यात प्रश्न विचारला गेलेला आहे की नाही. टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस मध्ये आपण ते ऑलरेडी शिकलेलो आहोत, हमने सीखा है ये सब. प्रश्नार्थक वाक्य हमने सीखे है राइट. सो आपको समझ में आता ही है कि प्रश्न कब पूछा गया है, तब उस वाक्य के खत्म होने पर आपको प्रश्न चिन्ह देना है. देखिए ये है एक अपवाद कि आपको प्रश्न चिन्ह, प्रश्नार्थक जो वाक्य है उनके खत्म होने पर, प्रश्न सूचक वाक्य के खत्म होने पर आपको पूर्ण विराम नहीं देना है, आपको देना है प्रश्न चिन्ह. ओके तुम तो यहाँ के नहीं लगते, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे. प्रश्न सूचक शब्द, जैसे
जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए, इसी तरह के वाक्य। ओके, प्लीज वेट, आई हैव नॉट आस्क यू टू राइट, प्लीज वेट। समझ लिया प्रश्न चिन्ह कब करेंगे, समझ में आया है? यस, ओके ओके, देन राइट सेंटेंस। क्लियर ना? इज इट क्लियर? ओके, तुम यहाँ क्यों आए हो, एक ग्लास पानी देना। नो, एक ग्लास पानी देना इज नॉट अ क्वेश्चन आयुष। तुमने खाना नहीं खाया। कौन, कहानी, चेक योर न एंड न। हाँ, प्लीज प्लीज चेक योर न। तुम कहाँ गए थे, जा गए थे, नस्त, तुम कहाँ गए थे, ओमकार। आदित्य, यू शुड नॉट राइट दैट। आदित्य बाजार से सब्जी लाना। नो, क्या तुम, आदित्य क्या तुम बाजार से सब्जी लाओगे, दिस शुड बी अ क्वेश्चन। ओके, हिमेश और तेजल, हुएवर इज राइटिंग। ओके, प्रश्न चिन्ह आहे, त्यामुळे तुम्ही प्रश्न चिन्हाचा वापर करायचा आहे। आयुष, वो कहाँ है इज राइट, बट यू हैव टू यूज दैट प्रश्न चिन्ह। ओके, द नेक्स्ट वन। जय, एनी प्रॉब्लम, यू आर रेजिंग द हैंड, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादी चिन्ह, ज्याला आपण एक्सक्लामेटरी मार्क असं म्हणतो। ओके, सी, विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। जेव्हा अनुज प्रश्न चिन्ह वापरायचा आहे, जेव्हा आपल्याला आपली एखादी भावना व्यक्त करायची असते, मग ते एकटक में आश्चर्य असू दे, कोणत्या गोष्टीबद्दल घृणा असू दे, कोणत्या गोष्टीचा शोक असू दे, किंवा कोणत्या गोष्टीचा आनंद असू दे, हर्ष असू दे, तेव्हा जेव्हा अशा वेळेत जेव्हा आपल्या तोंडातून जेव्हा वाक्य निघतं, त्या वाक्यासाठी आपण आश्चर्य चिन्ह म्हणजे विस्मयादी चिन्ह वापरतो, ज्याला एक्सक्लामेटरी मार्क म्हटलं जातं। ओके, ओ, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश, इन सबके अंत में आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, क्या सुहावना मौसम है, वाह, क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ओ, यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी, कितनी गंदगी है यहाँ, अच्छा, ऐसा कहा उसने, उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। ओके, अंडरस्टूड? यस, आश्चर्य, आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह कधी वापरणार, कळालं का? यस एवरीवन। ओके, जब हमारे मन की भावना का प्रयोग करते वक्त, वो भावना कोई भी हो, जैसे कि किसी चीज के व्यतिरिक्त आश्चर्य हो, घृणा हो, मन में शोक हो, आनंद हो, इन भावों का बोध करते वक्त हम जो वाक्य हमारे मुंह से निकालते हैं या फिर लिखते हैं,
तब हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं. ओके, सो स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस देन. ये तो मैं हूँ. समीर, तुम यहाँ कब आए? नो, नहीं. आयुष, दिस विल नॉट हैपन. अरे वाह, कितना सुंदर चित्र है ये. गुड. हाँ, क्या बात है रमेश. यस, हे भगवान, ऐसी दुविधा किसी पर भी मत आने देना. ओके, गुड. अरे अरे, तुमने ये क्या किया? यस, वाह, कितनी सुंदर मछली. यस, वाह, क्या सुंदर फूल है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे निर्देशक चिन्ह. मैं आश्चर्य से लड़के का मुंह देखने लगी. माँ, नो, दिस इज नॉट द, यहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते वो साइन. ओके, निर्देशक चिन्ह. अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे. ओके, गुड. निर्देशक चिन्ह एक हाइपन डैश, ओके, जिसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है. कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं, जिसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है. देखिए, किसी के द्वारा कही जाई बात को दर्शाने के लिए जहां निर्देशक चिन्ह म्हणजे काय, जर कोणी निर्देशक चिन्ह म्हणजे एक मायनसचं साइन. ओके, ज्याला रेखा चिन्ह सुद्धा बोललं जातं. आणि याचा उपयोग कधी कधी होतो पहा. किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए, जेव्हा तुम्हाला कोणीतरी तुम्हाला सांगितलेली गोष्ट तिसऱ्याच व्यक्तीला सांगायची आहे, तेव्हा तुम्ही कसं म्हणणार, प्राध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है. ओके, सो यहाँ पे प्राध्यापक ने जो कहा है उसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे प्राध्यापक ने कहा के बाद डैश दिया गया है. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. सुभाष चंद्र बोस बोस सॉरी. अपन लिहितो असे उद्गारवाचक चिन्ह, असे जे उद्गार आहेत, जे ते ज्यांच्या तोंडून निघालेले आहेत त्यांचं नाव लिहिताना आपण ते वाक्य आधी लिहितो आणि मध्ये एक सिंगल लाईन देतो, तिलाच आपण निर्देशक चिन्ह किंवा रेखा चिन्ह म्हणायचं आहे. ओके, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द को दो बार लिखे जाने पर, उसके मध्य म्हणजे त्याच्या मध्ये उसके बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है. जेव्हा आपण वाक्य लिहित असताना एखादा शब्द परत परत वापरत असतो किंवा लिहत असतो, बोलत असतो किंवा लिहत असतो, त्यावेळी सुद्धा या चिन्हाचा उपयोग होतो. दो दो हात हो जाए, सो सो कोश तक पानी का नामो निशान न था, कभी कभी मैं ख्यालों में खोसा जाता हूँ. ओके, जेव्हा दोन समान शब्द तुमच्या वाक्यात असतील, पुनरावृत्ती होत असेल, तेव्हा तुम्ही हे साइन वापरायचं आहे. किंवा जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीच्या बोलण्याबद्दल बोलत दुसऱ्या व्यक्तीला सांगत आहात, तेव्हा त्या व्यक्तीने बोललेलं वाक्य तुम्ही अशा प्रकारे सांगायचं आहे. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड दिस वन? यस, ओके. राइट सेंटेंस
दो दो पानी गिर रहा है, नो ते दो दो असतं आणि ते आपण मराठीत वापरतो. तुम ये फल लाना, अनार आम सेब पपीता गुड. आदेश ने कहा वह कल खेलने नहीं आएगा. अरे यार यह तो दो दो मछली. आई डिडंट गेट यू, वांट टू राइट मछली? यस धनश्री हैज रिटन वेरी नाइस. वह भूखा पैसा है. सो यू शुड राइट दो दो मछलियां. ओके okay? माँ ने कहा बाजार से सब्जी लेकर आना, वो चार पांच रोटियां खाके गया है. गुड. आदित्य आपण याच्या पुढे पण गेलोय. दो दो करके बाटो और बटो. ओके ओके अंडरस्टूड. यस डन. मैं कूदते कूदते थक गया. यू शुड यूज दैट साइन ना. आयुष तू सेंटेंसेस लिहितोय पण तू साइन देत नाही. आपण विराम चिन्ह शिकतोय. तुम्हारे दो दो भाई है, त्यामुळे विराम चिन्ह देणं इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. ओके अजून कोणत्या प्रकारे केला जातो ह्याचा उपयोग? युग्म शब्दों के मध्य, म्हणजेच खेल में तो हार जीत लगी रहती है. ओके जसे जोड शब्द असतात, हार जीत, खाया पिया, तुलनावाचक शब्द जैसे सा सी से के पहले, झील सी आंखें, सागर सा हृदय, चीते सी गति. ओके इन सारे शब्दों के बीच में इस साइन का, इस चिन्ह, निर्देशक चिन्ह को संयोजक चिन्ह, सामाजिक चिन्ह या फिर रेखा चिन्ह भी कहा जाता है. किसी के द्वारा कही हुई बात दर्शाने के लिए, जैसे कि प्राध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द दो बार लिखे जाने पर, जैसे कि दो दो हाथ हो जाए, सो सो कोस तक पानी का नामो निशान न था, कभी कभी मैं ख्यालों में खो सा जाता हूँ. युग्म शब्दों के बीच में जैसे कि खेल में तो हार जीत लगी रहती है, कुछ खाया पिया करो बहुत कमजोर हो गए हो, तुलनावाचक शब्दों के बीच में जैसे कि झील सी आंखें, सागर सा हृदय, चीते सी गति. अंडरस्टूड? यस हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? यस एवरीवन. ओके सो सिक्स अपन आता करूया एंड रिमेनिंग सिक्स सिक्स विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. क्या क्या सीखा हमने? विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहराव लेना. ओके किसी भी लेखन को या वाक्य को प्रभावी रूप देने के लिए हम इन चिन्हों का उपयोग करते हैं, जिससे कि वाक्यों में भावों की अभिव्यक्ति और वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, या फिर वाक्य में जो उतार चढ़ाव है वो समझने और वो पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए हमें मदद होती है. विराम चिन्हों का उपयोग हम वाक्य के बीच में या फिर अंत में करते हैं. पहला हमने सीखा है पूर्ण विराम. पूर्ण विराम जो वाक्य के अंत में वाक्य पूरा होने पर दिया जाता है, जैसे कि शाम ने खाना खा लिया, वह कल आएगा, तुम घर चले जाओ. अर्ध विराम जैसे हम वाक्यों में एकदम थोड़ा सा रुकते हैं, जैसे कि हम बीच में हल्का सा आराम करते हैं उस, लेकिन अर्ध विराम देते वक्त वाक्य खत्म नहीं होता है. पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना पड़ता है,
और अल्पविराम की तुलना में ज्यादा विराम, मतलब ही अर्ध विराम, जैसे कि राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं। उसके बाद आता है अल्पविराम। इसको वाक्य को जब हम प्रभावी रूप से कहने या फिर लिखते हैं तब अर्धविराम, जब हम पूर्ण विराम अर्धविराम से ज्यादा रुकते हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकते हैं और हमारा वाक्य खत्म नहीं होता तब हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शाम जरा इधर आना, हाँ लेकर दिल्ली जाऊंगा। अल्पविराम का प्रयोग हम और भी स्थितियों में कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन अंकों को लिखते समय, हाँ और नहीं इन शब्दों के बाद, जैसे कि नहीं यह काम नहीं हो पाएगा। एक ही प्रकार के शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि भाग भाग शेर आया, तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद, जैसे कि 23 जनवरी 1857 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और देन प्रश्न चिन्ह, इसका उपयोग हम प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में करते हैं। ये तो आपको पता है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो तुम तो यहाँ के नहीं लगते, जैसे कि यह तो तुम्हारा घर नहीं है, और इसमें कौन से शब्द आते हैं प्रश्न सूचक वाक्य में, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे आदि तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो आदि। देन हमने सीखा आश्चर्य चिन्ह, मतलब विस्मयादि चिन्ह। जब वाक्यों में किसी भी भाव को व्यक्त किया जाता है, वो भाव में इट में भी आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, और ओ, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, ये सारे शब्द जब आते हैं तो उनके बाद में हम इस विस्मयादि चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि वाह क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, छी कितनी गंदगी है, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसके बाद हमने सीखा है निर्देशक चिन्ह, जो कि एक डैश होती है जिसको संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह या फिर रेखा चिन्ह भी कहा जाता है। यह किसी के द्वारा बताई गई बात को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह का, जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। उसी तरह किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे कि दो दो हाथ हो जाए, सौ सौ कोश तक पानी का नामो निशान न था, और उसके बाद युग्म शब्दों के बीच में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि खेल में तो हार जीत लगी रहती है, कुछ खाया पिया करो, बहुत कमजोर हो गए हो। तुलनावाचक शब्द में इसका उपयोग होता है, जैसे कि झील सी आंखें, सागर सा हृदय और चीते सी गति। ओके, आई हैव रिवाइज ऑल ऑफ देम, एनीवन हैज एनी डाउट कैन आस्क मी, इफ एनीवन हैज एनी डाउट कैन आस्क मी, नो डाउट्स, क्लियरली अंडरस्टूड एवरीथिंग, यस, ओके ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस द रिमेनिंग वन एंड द वर्क सम वर्कशीट बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो नाउ यू ऑल कैन लीव, बाय 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 टीचर, थैंक यू टीचर, बाय, वेलकम, बाय टीचर, अच्छा, थैंक यू टीचर, बाय मैम, थैंक यू मैम, वेलकम, बाय, मैम, वेलकम, थैंक यू। वेलकम, बाय बाय बाय, वेलकम, बाय 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 टीचर। बाय।